आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से बिहार एसआई मेंस के लिए जो फुल मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसके वीडियो नंबर 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए और 1 2 3 4 इस तरीके से पूरी सीरीज़ को देख करके आइए और उसके बाद इस वीडियो से स्टार्ट कीजिए। इस पूरी टेस्ट सीरीज़ को पीडीएफ की फॉर्म में एक साथ बाय करने के लिए या फिर इनमें से किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप सीरियस हैं और पूरा कोर्स एक बार में करना चाहते हैं तो हमारे कई सारे पेड कोर्सेज समय समय पर चलते रहते हैं। इन सब की जानकारी इन दोनों नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करने के बाद ही मिलेगी और फ्री स्टडी मटेरियल या फिर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए जो कि यूट्यूब की तरफ से कई बार डिले हो जाते हैं उनके लिए ये 4-5 चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री हैं, कोई भी चार्ज इसका नहीं लगता है। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के सेक्शन से हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। मध्य प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिज़र्व है जिसका नाम है पंचमणि बायोस्फीयर रिज़र्व। ये 1999 में स्थापित हुआ था। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि ये एमपी में कहाँ पे पड़ता है। तो ये 3 हिस्से कवर करता है, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा के कुछ कुछ हिस्से ये कवर करता है। डी, इंडिया में कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं जिनमें से हर एक बायोस्फीयर रिज़र्व में 3 चीज़ें आती हैं, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी और उसके बाद हो गया बफर जोन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पे आप अथॉरिटीज़ की परमिशन लेकर कुछ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। 19 फरवरी 2017 से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WWBC इनके द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडरबर्ड, ऑप्शन सी। और इस वाले ऑपरेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितनी भी इल्लीगल ट्रेड है, जंगली जानवरों की जितनी भी गैरकानूनी ट्रेड है उसको रोक देना। इस गैरकानूनी ट्रेड में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले तो टाइगर, कहाँ इंडिया में सेव टाइगर पे इतना जोर दिया जा रहा है और कहाँ ये लोग उसकी स्किन की स्मगलिंग करते थे इस वजह से ऐसे लोगों को पकड़ना। और उसके बाद में जो इंडेंजर्ड स्पीशीज जितनी भी हैं उसका ये लोग शिकार करते थे तो ऐसे लोगों को पकड़ के अरेस्ट करना ताकि ये सब काम ना हो। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन थी वो थी हाथी के दांत की इल्लीगल ट्रेडिंग करना, ये भी बैन है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था ये लागू नहीं होता है। तो ये राज्य उस समय था जम्मू और कश्मीर जो कि अब राज्य नहीं है नवंबर 2019 के बाद से। इस समय इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन है जहाँ पे ये कानून वहाँ लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर का। उस समय एक अपना ही अलग वाइल्ड लाइफ कानून था। जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। समर और विंटर के आधार पर इनको अलग कर दिया। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई जिसे पुराने टाइम में मद्रास कहा जाता था। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर। 1983 में एक 65 किलोमीटर लंबी नहर निकली थी, कौन सी नदी से निकली थी ये बताइए। तो ये निकली थी दामोदर नदी से जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है और उसे वहाँ पर सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है यानी बंगाल के दुख का कारण। इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। ए, बाकी और भी नदियाँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जैसे माही और ताप्ती। इंडिया में 5 हैं करीबन वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। इनमें से 2 नदी हैं मही और ताप्ती। एक इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा और एक और है लूनी जो कि राजस्थान में पड़ती है।
इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है और उसे यारलंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, और ये तिब्बत के पुरांग जिले से निकलती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। सी, ब्रह्मपुत्र के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, जैसे बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना और तिब्बत में कहा जाता है इसे सांगपो, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ था। सी, बाकी ये जो सिंधु नदी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में भी बहती है और पाकिस्तान में भी। यही वो नदी है जिसके कारण इंडिया पाकिस्तान के बीच में करीब 60 साल पुरानी वाटर ट्रीटी है जो कि आज भी चलती है। बी, इसका करेक्ट आंसर वैसे 29 का होगा सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के नाम पे है। इसमें से बताइए ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 30, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, नेपाल, ये एशिया की ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कहीं भी आपको समुद्र नहीं मिलेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं पे भी कोई समुद्र नहीं। ऐसी कंट्रीज को कहा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ये तीनों लैंड लॉक कंट्रीज हैं जबकि पाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री नहीं है क्योंकि कराची के साउथ में इसको अरेबियन सी मिल जाता है, अरब सागर, इस वजह से नहीं है। डी, तो डी यहाँ से ऑड वन आउट हो गया। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, नेपाल की है काठमांडू और आर्मेनिया की है येरेवन, YERAVAN। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोस्ट लाइन यानी समुद्र तटीय तटरेखा इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर? तो ये है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर है और इसे देश में आईटी इंडस्ट्री का हब भी कहा जाता है। डी, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की है कोलकाता और गोवा की है पणजी। इंडिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात के पास और सबसे छोटी है गोवा के पास, GG। 9 डिग्री चैनल, इनमें से किसको किसको अलग करता है? तो सबसे पहले लक्षद्वीप और मिनी कॉय, इन दोनों को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। सी, लक्षद्वीप का जो असली मतलब होता है वो है कि ऐसा आइलैंड, मतलब ऐसा देश, ऐसा एरिया, कुछ भी कह लीजिए, जो कि 1000 × 100 यानी कुल 1 लाख आइलैंड से मिलके बना है। ऐसा देश जो 1 लाख आइलैंड से मिलके बना है उसे कहा जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया में और इसकी राजधानी है कवरत्ती। और ये जो मिनी कॉय है ये लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है, उसी में शामिल है। मतलब मालदीव की राजधानी है मेल, ई पे थोड़ा हाइफन है ऊपर। एक और फेमस चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, ये पश्चिम बंगाल में अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी किसके हिस्से में कितनी जमीन जाएगी, ये बात एक एक्ट के थ्रू डिसाइड हुई थी। ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 1974 में। बी, 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद, उसके 3 साल बाद, और उसके 41 साल बाद मई 2015 में भारत के संसद ने सवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था जिसमें इस एक्ट को रिव्यू कर दिया गया और इसका एक अपडेटेड वर्जन लाया गया। जैसे आपके मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट होते हैं वैसे ही इस एक्ट को भी अपडेट कर दिया गया, वो भी 41 साल बाद, सवें संविधान संशोधन में। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट है। बाकी साल 1976 जो है ये भी भारत के राजनीतिक इतिहास के हिसाब से ज़रूरी है बिकॉज़ ये वही साल है जब 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे नया संविधान फिर से लिख दिया गया हो, और इसमें जो अनावश्यक परिवर्तन थे इसको हटा करके एक नया संविधान लाया गया 44वां, जो कि 1978 में आया था। ये भी साल इम्पोर्टेंट है। भारत में ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जीरो बेस्ड बजटिंग प्रोसेस इंडिया में चालू किया था? तो ये
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DOIT का एक विभाग है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। CSIR का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बाकी NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सरकार की स्टैचुटरी बॉडी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरीके से कार्य करती है। ये आई थी 1988 में और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। बाकी SIDBI भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे उद्योग, इनको लोन देने का काम ये वाली बैंक करती है SIDBI। SIDBI की स्थापना हुई थी 1990 में और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बाकी NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक नई बॉडी है जो कि साल 2008 में बनी थी और इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। यहाँ पे एक चीज़ का करेक्शन करिएगा, NHB का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, मुंबई में नहीं। इनमें से ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को देश का सबसे पहला यूनियन बजट पेश किया था? तो कुल मिला के आपसे पूछ रहे हैं कि देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो ये R.K. सन्मुखम चेट्टी थे, सी। इस समय देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण और ये देश की सबसे पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं जो कि अभी भी कार्यरत हैं 17वीं लोकसभा के अंदर। बाकी जॉन मठाई देश के पहले रेल मंत्री बने थे इस वाली बजट के पास होने के बाद। CD देशमुख का नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1943 में बने थे RBI गवर्नर और ऐसे ये पहली भारतीय थे जो कि इस पोस्ट पे पहुँचे थे। बाकी TT कृष्णमाचारी ये भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि 1956 से 58 और 64 से 66 इन दो टर्म्स के बीच में ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट? ये फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को अगर आप लेस कर दें तो क्या चीज़ देखने को मिलेगी? प्राइमरी डेफिसिट, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट जोड़ने पर फिजिकल डेफिसिट मिलता है। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तब आप कर लेते। प्राइमरी डेफिसिट ऑप्शन ए, कोर इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 267 के तहत कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और ये कब हुआ था? ये हुआ था साल 1950 में, ऑप्शन बी। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का विकल्प है कि जैसे मान लीजिए सरकार ने बजट पास कर दिया और कुछ ऐसे व्यय, ऐसे एक्सपेंडिचर सामने आ गए जो कि बजट पेश करते टाइम आपने सोचे भी नहीं थे, तब आप रुपए कहाँ से लाएंगे? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा यहाँ से कभी भी रुपए निकाले नहीं जा सकते। इसका आंसर होगा बी। साल 1949 हमारे देश के राजनीतिक इतिहास के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया था कि जो भी संविधान बनेगा वो यही बनेगा और यही संविधान साल 1950 में 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI, इसको स्टैचुटरी स्टेटस कब मिला था? मतलब पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जिसके बाद इसको मान्यता दे दी गई, ये हुआ था 1992 में, डी। SEBI जो है वो मार्केट में उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है जो कि कैपिटल मार्केट चलाते हैं, जैसे शेयर मार्केट और ये सब। SEBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अभी इस समय चेयरमैन है मिस्टर अजय त्यागी। साल 1992 एक और वजह से हमारे देश के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये वही साल था जिसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था। इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसके सजेशन के बाद साल 1953 में स्टेट ड्यूटी को इम्प्लीमेंट किया गया था? तो ये है LK झा कमेटी, सी। जो स्टेट ड्यूटी है ये ऐसा टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं आता, देश अपनी अलग अलग व्यवस्था कर सकते हैं इसके लिए, सॉरी प्रदेश। LK झा यानी लक्ष्मीकांत झा
ये देश के 8वें नंबर के आरबीआई गवर्नर थे। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऐसा कब कह दिया गया था? ये कह दिया गया था 69वें संविधान संशोधन में, जो कि 1991 में लागू हुआ था। ए, दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कई सारे जिले शामिल होते हैं, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश के भी जिले हैं। आज ये पूरा एनसीआर बन चुका है। ये जो दिल्ली है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट भी है वहाँ पे। तो देश में इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक साथ हैं। कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जहाँ पे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इसको संवैधानिक स्टेटस मिला? पहली बात तो ये बताइए। तो ये हुआ था 86वें संविधान संशोधन, जो कि 2002 में लागू हुआ था। यहाँ पे इसको फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत लाया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया था। ऐसा कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए और ये चाइल्ड लेबर के शिकार नहीं होने चाहिए। बी, 86वां और 1 अप्रैल 2010 को। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जिसमें ये कहा गया है कि देश में जितने भी राज्य हैं वो अपने यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहते हैं तो इस्टेब्लिश करा लें, और अगर नहीं चाहते हैं तो उसे हटवा लें? ऐसा होता है आर्टिकल 169 में। डी, इंडिया में इस समय 6 ऐसे राज्य बचे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। ये सभी नाम इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट बना के लिख लीजिएगा कहीं पे। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर कहाँ गया, इसमें भी तो थी। नवंबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है ना, तब से इसका जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको हटा दिया गया है। तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसको अभी सबसे लेटेस्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल मिली है, और जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल सबसे लेटेस्ट में छीन ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन है जिसके तहत ऐसा प्रयास किया गया कि मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद स्थापित कर दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था, और यही वजह है कि आज भी मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो ये हुआ था 7वें संविधान संशोधन में 1956 में। सी, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, कि वो अपने जितने भी फैसले हैं वो अपने पास रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं, चाहे हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में, ताकि आगे जो भी केसेस आए उनमें इन सब केसों का रेफरेंस लिया जा सके। ऐसा हुआ था, मतलब ये बात लिखी गई है आर्टिकल 129 में। बी, इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो बता सकते हैं। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये लागू कर दिया गया था। इसके तहत देश में जितने भी सरकारी काम हैं वो कहाँ तक पहुँचे और उनमें क्या क्या संभावनाएं हैं, ये जानकारी आरटीआई डालने पर आराम से किसी भी नागरिक को मिल सकती है इंडिया के। तो ये वाला राइट अपना लीगल राइट है। ए, संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत ये बात लिखी गई है कि जॉइंट सेशन में, मतलब ऐसा सेशन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठते हैं एक ही भवन में, इस हिसाब से ये कहा गया है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के स्पीकर। तो ध्यान रखिएगा, जॉइंट सेशन जिसकी जानकारी आर्टिकल 108 में उपलब्ध है, इसके अंतर्गत इस मीटिंग को बुलाते तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, बुलाते कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें चेयरमैन कौन बनते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये दोनों बातें इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ही इसको जो है इसमें प्रिसाइड करेंगे, आर्टिकल 118 क्लॉज नंबर 4 में। डी,
इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि 31वें संविधान संशोधन 1973 से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन ये है कि यूनियन टेरिटरी में जितने भी मेंबर हैं उनको 20 से 25 कर दिया गया था क्या? ऐसा नहीं है, 20 से 25 मतलब बढ़ा देना, यहाँ पे तो मेंबर घटाए गए थे, 25 से 20 हुए थे, ये वाली बात यहाँ से गलत हो गई। दूसरी बात ये है कि लोकसभा के जितने मेंबर हैं वो 525 से 500 करे गए थे, अरे नहीं ये तो बढ़ाए गए थे, ये 500 से 525 करे गए थे, ये भी बात गलत है। तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ कि दोनों बातें उल्टी लिखी गई हैं, इस वजह से दोनों गलत, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, सी गलत हैं दोनों। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है? ये है पार्ट नंबर 4 बी। बाकी पार्ट नंबर 2 में आपको सिटीजनशिप की जानकारी मिलेगी, नागरिकता कानून। पार्ट नंबर 3 में आपको फंडामेंटल राइट की जानकारी मिलेगी, मूल अधिकार। और पार्ट नंबर 5 में कौन सी इन्फॉर्मेशन है ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 73वें संविधान संशोधन से संबंधित कौन सी बात सही है? तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि इसमें पंचायती राज यानी कि पंचायत के जितने भी अधिकार हैं, जितनी उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हैं और जो इनके उत्तरदायित्व हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन है, तो यही बात एकदम सही है। पंचायत को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1993 में जो लागू हुआ था उसके तहत मिली हुई है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है साइंस का, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के आंतरिक और बाहरी दो टाइप के डायमीटर, ये जैसे ऑब्जेक्ट है इसमें इंटरनल डायमीटर ये हुआ और एक्सटर्नल ये हुआ, इन दोनों को नापने का काम कौन करता है? तो ये करते हैं कैलिपर, जिसका पूरा नाम है वर्नियर कैलिपर। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि ये काम कर सकता है, उसका नाम है स्क्रू गॉज। उसके अलावा विंड वेन विंड की डायरेक्शन बताता है, विंड की स्पीड कौन बताता है? फिर अनीमोमीटर, अनीमोमीटर क्या बताता है? विंड की स्पीड। इसके अलावा बैरोमीटर बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बोलोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर। आपने कोई सब्सटेंस गर्म करा और गर्म करने के बाद से उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली, उसमें कितना पावर होगा ये बताता है बोलोमीटर। उसके बाद देखिए 51 नंबर, जिसमें आप बताइए कि 10^-10 मीटर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, 10^-10 मीटर, सी। बाकी 1 नैनोमीटर में होते हैं, 10^-9 मीटर, मतलब जो नैनोमीटर है वो एंगस्ट्रॉम का 10 गुना है। 1 फर्मी मीटर में होते हैं, 10^-15 मीटर। और 1 क्यूसेक का मतलब अलग है, क्यूसेक एक ऐसी यूनिट होती है जो कि काम आती है वाटर के फ्लो को मेज़र करने के लिए, वाटर्स फ्लो। 1 क्यूसेक में 1 सेकंड में 28.3 लीटर वाटर फ्लो हो जाता है। अगर 1 सेकंड में 28.3 लीटर पानी बह गया तो इसका मतलब है 1 क्यूसेक कंप्लीट हो गया है। पॉलीग्राफ टेक्निक के द्वारा इनमें से कौन सा काम आप कर सकते हैं? तो आप ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है या सच, यानी कि झूठ पता लगाने की डिवाइस होती है ये, बी। बाकी ह्यूमिडिटी मेज़र करता है हाइग्रोमीटर, और साउंड की इंटेंसिटी मेज़र करता है साउंड लेवल डिवाइस, इसी से पता चलता है कि साउंड का लेवल कितना है। और ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन लाइट वेव को यूज़ करते हुए, इसे कहते हैं फोटो डिटेक्शन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? तो वैसे तो अगर एयर या फिर वैक्यूम में बात करें हम, तो लाइट की स्पीड होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, यानी करीब 3 लाख किलोमीटर। लेकिन अगर कांच में या फिर ग्लास में बात करें तो वहाँ पे जो स्पीड है वो 1 लाख से कम हो के 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की बचती है,
2 × 10⁸ meter per second. A. Which type of mirror is used for shaving? दाढ़ी बनाते समय अपना फेस अगर आपको देखना है तो कैसा शीशा आपको यूज़ करना चाहिए? तो आपको यूज़ करना चाहिए कॉनकेव मिरर, ताकि आपके चेहरे पर छोटे से छोटा बाल भी बचे ना, वो भी साफ़ हो जाए, यानी एक एक चीज़ आपको सही से दिखे वहाँ पे. सी कॉनकेव मिरर. बाकी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ आप करते हो एज अ रियर व्यू मिरर, बाइक में, कार में, ट्रक वगैरह में जो शीशा लगा होता है जिससे हम पीछे का हाल चाल लेते हैं, उसके लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ताकि छोटे से शीशे में पीछे का सब कुछ दिख जाए एक साथ. और फ्लैट मिरर, जिसे हम प्लेन मिरर भी कहते हैं, ये आपके घर में लगा होता है जिसमें आप अपना फुल व्यू ले सकते हैं. एलिप्टिकल मिरर, इसे पैराबोलिक मिरर भी कहा जाता है, ये एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ होता है आपके डिश एंटीना में. डिश एंटीना में रिफ्लेक्टर के तौर पर पैराबोलिक या फिर एलिप्टिकल मिरर का यूज़ करते हैं. और इसका एक फंक्शन और भी है, हेडलाइट में आप एलिप्टिकल या फिर पैराबोलिक मिरर का यूज़ करते हो गाड़ी की हेडलाइट में. व्हाट इज़ एडेड या फिर मिक्स्ड विद जिंक एंड कॉपर टू ऑब्टेंड जर्मन सिल्वर? अगर आप जिंक और कॉपर को अकेले मिक्स करेंगे तब आपको ब्रास देखने को मिलेगा. ब्रास किसका अलॉय होता है? कॉपर और जिंक का. लेकिन इन दोनों के साथ अगर हम निकल को मिक्स कर दें तब हमारे पास जर्मन सिल्वर आ जाएगा. तो क्या हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा निकल? बी NI. जर्मन सिल्वर सिर्फ नाम का ही खेल होता है, बाकी सिल्वर जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता. जर्मन सिल्वर जिंक, कॉपर और निकल से मिलके बनता है. मैग्नीशियम सबसे मेन एलिमेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे हमें हरे दिखाई पड़ते हैं. एल्युमिनियम जो है वो एयरक्राफ्ट के बाहरी पार्ट बनाने के काम में आता है, और टिन ये लोहे की कई सारी वस्तुएं बनाने के काम में आता है. इनमें से ऐसा कौन सा ओर है जो कि मरकरी मेटल से निकलता है? तो मरकरी का ओर होता है सिनाबार, ऑप्शन डी. मरकरी दो वजह से फेमस है. पहली बात तो ये बुध ग्रह का इंग्लिश नाम है. बुध ग्रह वही ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक में पड़ता है. और दूसरी बात, ये पीरियोडिक टेबल में एक मेटल है, और ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है. जैसे पानी आपको दिखता है ना, वैसे ये मेटल भी दिखेगा अगर आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे इसकी बात करेंगे तो. गैलिना जो है वो किसका ओर है? तो लेड का, शीशे का. बॉक्साइट किसका ओर है? तो एल्युमिनियम का. इनमें से कौन से टाइप का ग्लास है जिसका आप यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब का जो बाहरी आवरण होता है, बल्ब ऐसा ही तो दिखता है, अंदर होता है इसके टंगस्टन और बाहर होती है कांच. तो बल्ब में जो कांच होती है, और इसके अलावा कैमरा और दूरबीन के लेंस में जो कांच यूज़ होती है, वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फ्लिंट ग्लास की. सी बाकी ग्लास भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे अगर आप पोटैश ग्लास की बात करें तो पोटैश जो कांच है वो लैब, केमिस्ट्री लैब में आप सभी ने देखा होगा कई सारे बर्तन होते हैं, जैसे कि बीकर, फ्लास्क और इसके अलावा टेस्ट ट्यूब, ये सबके सब बनाए जाते हैं पोटैश ग्लास को यूज़ करके. उसके बाद आते हैं क्रूक्स ग्लास को के बारे में बात करने के लिए. तो क्रूक्स ग्लास ऐसे गॉगल डिज़ाइन करता है, गॉगल वही जो धूप के चश्मे होते हैं, तो ऐसे धूप के चश्मे बनाने के काम में क्रूक्स ग्लास आता है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस को ब्लॉक कर दें, यूवी रेस को आँखों पर ना पड़ने दें. तो ये तो हो गया क्रूक्स ग्लास. बाकी क्राउन ग्लास, आपने खिड़की देखी होगी कांच की बनी, तो जो कांच खिड़की में यूज़ होता है, प्लस जो नज़र के चश्मों में जो कांच यूज़ होता है, वो बना होता है क्राउन ग्लास से. विच गैसेस आर फिल्ड इन एयरक्राफ्ट टायर्स? एरोप्लेन वगैरह के जो टायर होते हैं, जो कि लैंड करने के टाइम में खुलते हैं सिर्फ, और टेक ऑफ से पहले, तो इन टायर में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें ऐसा नहीं होता कि बाइक या साइकिल के तरीके आप नॉर्मली हवा भर दें, आपको स्पेसिफिकली नाइट्रोजन भरनी होती है, और यही गैस चिप्स के पैकेट में भी भरनी होती है, ताकि चिप्स
ज़्यादा समय तक चल सके। तो नाइट्रोजन, ए नाइट्रोजन ही भरनी होती है, दोनों में ध्यान रहे। नाइट्रोजन हवा के अंदर ऐसी गैस है जिसका कंसंट्रेशन 78% के आसपास है, जो कि सबसे ज़्यादा है। नियॉन एक इनर्ट गैस है जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करती है। हीलियम वो गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 पार्ट्स पर बिलियन, अगर एटमॉस्फेयर के 10 लाख टुकड़े कर दिए जाएं तो 5 टुकड़े आपको किसके देखने को मिलेंगे? हीलियम के। ऑक्सीजन को लाइफ सपोर्टिंग गैस भी कहा जाता है और इसका कंसंट्रेशन होता है 21%। सबसे भारी मेटल और सबसे हल्की गैस बताइए। तो सबसे भारी मेटल आज की डेट में ओस्मियम है और सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, जो कि गुब्बारे में भरी जाती है जिसके थ्रू हम लोग ऊपर जाते हैं। बी फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप का एक पार्ट है, जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब। ब्रास एक ऐसा एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक मिला के बनता है। एक ड्रग होता है, एक दवाई होती है टेबलेट की फॉर्म में, बीटा ब्लॉकर। इसका संबंध किससे है? तो ये हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की जाती है, हाई ब्लड प्रेशर। सी बाकी इबोला एक वायरस का नाम है। एड्स 1981 में सबसे पहला केस इसका देखने को मिला था। ये एक वायरल डिजीज़ है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें से उनका कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि बेरी बेरी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो सही से काम नहीं करता? तो ये होता है उनका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम, यानी उनके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और ऐसा देखने को मिलता है बच्चों में। तो बेरी बेरी एक ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन B1 यानी थाइमाइन की कमी से हो जाती है। डी इनमें से कौन सा रोग इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता? इन्फेक्शन की वजह से वो रोग होते हैं जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरस की कमी से हो जाते हैं, वायरस की वजह से, मतलब इन दोनों की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ऐसी बीमारी इनमें से बताइए जो कि ना तो बैक्टीरिया की वजह से हो ना ही वायरस की वजह से हो। तो ये तो अस्थमा है, बाकी डेंगू, वायरल फीवर है, प्लेग और जो कुष्ठ रोग है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है? तो ये विटामिन है B3, जिसको नियानिक एसिड या नियासिन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए। बाकी साइंटिफिक नेम एकदम सही लिखे हैं। विटामिन B7 का होता है बायोटिन, जिसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B1 का नाम है थाइमाइन, जिसकी कमी से अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है फोलिक एसिड। एक एंजाइम होता है टाइलिन, जिसका डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये किस चीज़ का डाइजेशन करता है? तो ये करता है स्टार्च का, जो कि हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। सी डाइजेशन की अगर बात चली गई है तो डाइजेशन हमारे मुंह में ही चालू हो जाता है, और ख़त्म कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अलग अलग जगह पे पहुंचाना होता है। दुबई की एक कंपनी है, दुबई की जो राजधानी है अबू धाबी, सॉरी दुबई गलती से बोल दिया, अबू धाबी की एक कंपनी है, ये सऊदी अरब का पार्ट है अबू धाबी। इस कंपनी का नाम है मुबाडाला। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने अभी अभी रिलायंस जियो में अपने टोटल का 1.85% इन्वेस्ट किया है। तो इनके टोटल का 1.85% है कितना? 9,093 करोड़ के आसपास। बी रिलायंस जियो के फाउंडर हैं मिस्टर मुकेश अंबानी, और ये कंपनी 2007 में स्थापित हुई थी, और ये 1995 में स्थापित रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। भारत की एक एनजीओ है जिसका नाम है सीड्स एनजीओ। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इनको अवार्ड दिया है? तो नो टोबैको डे ये हर साल देखा जाता है 31 मई को, और ये वाला जो अवार्ड है वो ऑब्वियस बात है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। डी WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और यही
वो जगह है जहाँ पर WTO का भी हेडक्वार्टर है और अंकटाड का भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इनमें से कौन है जिन्हें अभी अभी रोमानिया में अम्बेसडर बना दिया गया है इंडिया की तरफ से? इनका नाम है मिस्टर राहुल श्रीवास्तव। सी, रोमानिया की बात जहाँ तक चली गई है तो ये एक बालकन कंट्री है। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, सॉरी बुडापेस्ट नहीं, ब्यूकारेस्ट। ये इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी है रोमानियन लियू। ये राजधानी, ये करेंसी। इनमें से कौन से फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अभी अभी $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके? रेसिज्म यानी जो रंगभेद टाइप की चीज़ें होती हैं। ये हैं मिस्टर माइकल जॉर्डन, जो कि USA के रहने वाले हैं और ये अपने ज़माने के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रह चुके हैं। ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक फेमस फुटबॉलर हैं जो कि पुर्तगाल से आते हैं। बाकी लियोनल मेसी, ये भी फुटबॉलर ही हैं जो कि जर्मनी से आते हैं। बाईचुंग भूटिया भी फुटबॉलर हैं जो कि भारत से आते हैं। इनमें से कौन है जिन्हें अभी अभी एडिडॉस नामक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये हैं अपने ज़माने की, मतलब अभी कुछ दिन पहले ये बनी थी मिस इंडिया मानुषी छिल्लर, और मिस वर्ल्ड भी ये रह चुकी हैं। बी, बाकी साइना नेहवाल कौन है? बैडमिंटन प्लेयर, सोनम कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस, और सानिया मिर्ज़ा सभी जानते हैं टेनिस प्लेयर। मध्यकालीन भारत का ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में न्याय के लिए आने से पहले किसी भी व्यक्ति को लाल कपड़े पहनकर आना ज़रूरी था? तो इनका नाम है इल्तुतमिश, जो कि रजिया सुल्तान के पिता थे और ये थे गुलाम वंश से। ऑप्शन सी, बाकी बाबर शाहजहां दोनों मुगल वंश के हैं, मुहम्मद गोरी भी गुलाम वंश के ही थे एक तरीके से। 1613 में अंग्रेज़ों ने एक अनुमति मांगी थी जिसके तहत इनको सूरत में परमानेंट रूप से अपनी फैक्ट्री डालनी थी। ये अनुमति उन्होंने किससे मांगी थी? तो ये मुगल बादशाह जहांगीर से ये लोग अनुमति मांगने गए थे। जहांगीर, ऑप्शन डी। जहांगीर जो हैं वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका मकबरा जो है वो आज इंडिया के बाहर चला गया है। इनका मकबरा है लाहौर में, पाकिस्तान में। शाहजहां और शाह आलम द्वितीय, ये भी मुगल रूलर ही थे। जो शाह आलम द्वितीय हैं ये वही हैं जिन्होंने 1765 में अंग्रेज़ों से इलाहाबाद की संधि कर ली थी। और इसके अलावा शाहजहां, इनका कंट्रीब्यूशन आपको पता है, इनके पास पीकॉक थ्रोन था जिसको बाद में नादिर शाह लूट के लेके चला गया था, और उसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था, जिसमें से कोहिनूर हीरे के बारे में फ़िलहाल थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है, लेकिन पिकॉक थ्रोन कहाँ गया ये किसी को अभी तक नहीं पता है। और शाहजहाँ ने आगरा में कई सारे स्मारक बनवाए थे जिसमें ताजमहल प्रमुख है। मुहम्मद शाह के समय पर, मतलब जिस समय इनका राज था दिल्ली के ऊपर, इस समय फारस से एक आक्रमणकारी आया था जिसने दिल्ली में 1739 में अटैक कर दिया था। इसका नाम क्या है? तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये नादिर शाह है जो कि शाहजहां द्वारा स्थापित की गई पीकॉक थ्रोन को और उसमें लगे कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गया था। बी, औरंगजेब एक मुगल रूलर हैं जिनकी मृत्यु 1707 में हो गई थी, और शेर शाह सूरी वही हैं जिन्होंने इंडिया में सबसे लंबी सड़क बनवाई थी आज की डेट में, GT रोड, और इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। इंडिया में सबसे पहले ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, आज की डेट में जिस स्टेशन से चली थी वो CST हो चुका है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। एग्जैक्ट डेट बताइए ये कब हुआ था? तो ये 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ए, एक बात आप कमेंट में ये बताइए कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बिकॉज वॉइस राय का कंसेप्ट तो 1858 से आया था।
भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए, ये वही मिशनरी शिक्षा है जो कि भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि हिंदू से क्रिश्चियनिटी में स्विच कर जाएं, अपना धर्म परिवर्तन कर लें। ये कमीशन 1929 में बना था। बताइए इस कमीशन का नाम क्या है? तो ये है लिंडसे कमीशन सी। 1927 में एक और इम्पॉर्टेंट कमीशन आया था जो कि इस बात को जानने आया था कि भारत में शासन व्यवस्था किस तरीके से रहेगी और यहाँ पे संविधान का क्या स्कोप है। इसे कहा जाता है साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था और ये चले थे इंडिया का ही भविष्य तय करने। इनमें से कौन सा ऐसा नॉवेल है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और ये जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था? ये है आनंद मठ। और ये जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, ये इसी से उद्धृत है, डी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के दौरान, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इस दौरान वॉइसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड मिंटो। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि मॉर्ले मिंटो या फिर मॉन्टेग चेम्सफर्ड, ये मॉन्टेग चेम्सफर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहते हैं, तो यहाँ पे दोनों में एक ही बात कॉमन है कि जो दूसरे नंबर का बंदा है वो हमेशा वॉइसराय होगा। तो अगर यहाँ पे मॉर्ले मिंटो है तो मिंटो जो है वो वॉइसराय होगा, और अगर मॉन्टेग चेम्सफर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो चेम्सफर्ड है वो वॉइसराय होगा। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो वॉइसराय बी। अच्छा, पहले नंबर का कौन सा पर्सन होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरे नाम यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो जेम्स प्रिंसेप है उनको ये क्रेडिट जाता है कि खरोष्ठी सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ी थी। खरोष्ठी ऐसी लिपि है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे उर्दू उस तरीके से। लॉर्ड रिपन हैं, इन्होंने 1882 में सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया था और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने 1905 में पश्चिम बंगाल के पार्टीशन का आदेश दिया था। उस समय हालांकि सिर्फ बंगाल हुआ करता था। इनमें से कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके तहत गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस इशू करने के सारे अधिकार दे दिए गए थे? तो ये है 1861। इस समय जो सेंट्रल लेवल पे जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो तो वॉइसराय हो चुका था, लेकिन अभी भी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उन्हें ऑर्डिनेंस इशू करने के अधिकार दे दिए गए थे। ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये वही इंडियन काउंसिल एक्ट है जिसके तहत इंडियंस को लॉ मेकिंग में आने का सबसे पहला अवसर प्रदान किया गया था। हालांकि ये सिर्फ एक अवसरवादी चाल थी अंग्रेजों की, क्योंकि ये जानते थे कि अगर लॉ मेकिंग में हमने इंडियंस को नहीं आने दिया तो बहुत जल्द विद्रोह हो जाएगा और वो यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर। तो ऑप्शन सी। बाकी के एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसमें सबसे पहली बार इलेक्शन के कंसेप्ट का यूज़ किया गया। और इसके अलावा जो दो हाउसेस होते हैं सेंट्रल लेवल पर, हाउस ऑफ पीपल जो कि लोअर हाउस है और काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस है। सेंट्रल लेवल पर जो बाईकार्मल लेजिस्लेचर है, यानी दो दो हाउस का मौजूद होना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ था, डी। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये वही एक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे भारत के प्रेजेंट संविधान को। इस समय जो हमारा संविधान है उसके ज़्यादातर फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मेल खाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे दो ऐसी बॉडीज़ बना दी गई थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एक्ट को बारीकी से परखेगी। इनमें से कौन सी ऐसी इमारत है जो कि शाहजहाँ ने नहीं बनवाई थी? तो खास महल, चाहे मोती मस्जिद हो या जामा मस्जिद, तीनों इन्होंने ही बनवाया था। लेकिन जो अकबर का मकबरा है, ये भले ही आगरा में है लेकिन इसको स्वयं अकबर ने ही बनवाया था अपनी मृत्यु से पहले, ए।
और उनके बेटे जहांगीर ने इसको कंप्लीट करा दिया था, बिकॉज़ इससे पहले ये कंप्लीट होता अकबर की मृत्यु हो गई थी। इनमें से कौन सा ऐसा शासक है मध्यकालीन भारत में जिसने स्वयं को खलीफा माना है, और कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इस बात के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गढ़मुक्तेश्वर में जो एक मस्जिद बना दी गई है, वहाँ से, वहाँ पे जो शिलालेख मिले हैं ना, वहाँ से ये बात पता चली है कि इन्होंने अपने आप को खलीफा बताया था। कौन है ये? तो ये है बालबन, बलबन, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थे। हालांकि इनका एटीट्यूड बहुत ही अलग था, ये अपने आप को ऐसा समझते थे कि जितने भी राजा होते हैं भगवान उनको चुन कर भेजते हैं कि वो जाके राज करें, और वो ईश्वर के तुल्य होते हैं, इसीलिए जितने भी राजा होते हैं। और जो सजदा वाला कंसेप्ट है कि जितने भी जो मेंबर हैं प्रजा के वो सभी आएंगे और इनका सजदा करेंगे और इनको झुक करके प्रणाम करेंगे, ये वाला कंसेप्ट इन्होंने ही लाया था भी। बाकी अकबर वही हैं जो कि 13 साल की एज से ही राज करना शुरू कर दिए गए थे, और बैरम खान उस समय इनके गाइड थे। औरंगज़ेब वही हैं जो शाहजहाँ के बेटे हैं, जिनकी मृत्यु 1707 में हो गई थी, और इनके काफ़ी ज़्यादा युद्ध वगैरह होते रहते थे मराठाओं के साथ। इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान के पिता हैं और ये गुलाम वंश से हैं। ये वही इल्तुतमिश हैं जिन्होंने अपने टाइम पर बहुत अच्छी मार्केट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की थी, और इसके अलावा जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा करवाया था। 8 जून 2020 को जो विश्व महासागर दिवस है ये मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, डी। जून में एक और इम्पॉर्टेंट डे है 5 जून, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 21 जून को, जो कि है विश्व योगा दिवस, जिसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। इसके अलावा 81 नंबर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि दो सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी से संबंधित है? इन न्यूज़ एजेंसी का नाम है रूटर और जीजी। ये कौन से देश की न्यूज़ एजेंसियां हैं? तो ये दो देशों में काम करती हैं, जापान और ब्रिटेन। सी, जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ पर ओलंपिक 2020 होने थे लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते अब नहीं होंगे। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और इसे इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। सबसे पहला बीडी गोयनका पुरस्कार कब दिया गया था? साल 2006 में। कौन से फील्ड में ये दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में। बी, जर्नलिज्म के क्छेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि हाल ही में लेफ्टिस्ट विंग के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, इन्होंने ही जीता था। दो लोक नृत्यों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लोकल जो डांस होते हैं फोक डांस, पैका और खादिया, कौन से देश से संबंधित हैं ये? तो ये संबंधित हैं झारखंड से, ऑप्शन ए, जो कि पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था, और 15 नवंबर 2000 को इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया जिसका नाम है झारखंड। इसकी राजधानी है रांची। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। बिहार की राजधानी पटना है, और असम की राजधानी है दिसपुर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को। किसको डेडिकेटेड है ये? पीसी महान लोबिस को। ये फेमस स्टैटिस्टिशियन थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग ये वाला दिन मनाते हैं, ऑप्शन बी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जीडीपी कैलकुलेट करना, ये सब, कितना घाटा हुआ कितना लाभ हुआ, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑडिट हैं, सारा काम यही ऑफिस संभालता है। साल 1951 में इसका गठन हुआ था, इस ऑफिस का, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये वही ऑफिस है इंडिया में जहाँ पे 1951 में सबसे पहली बार कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ताशकंद में इनका देहांत हो गया था। जवाहरलाल नेहरू पहले नंबर के प्रधानमंत्री हैं, जो कि 1964 तक रहे थे। ये वही जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि साल 1929 में
कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाहौर सेशन में, और ये एक ऐतिहासिक सेशन है क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया था कि आगे ये जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो सब के सब आज़ादी से रिलेटेड ही होंगी। अंग्रेज़ों को भगाना है और भारतीयों का शासन लाना है स्वदेशी। दादा भाई नौरोजी भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं ये, और इन्होंने अपनी बुक में जो वेल्थ ड्रेन नाम से है पूरी ये बात बताई थी कि किस तरीके से इंडिया का जो भी मॉनेटरी हिसाब किताब है, जो भी पैसा है इंडिया का, सब ब्रिटिश अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और वहाँ ले जाते हैं। आई फॉलो दी महात्मा, ये वाली किताब किसने लिखी है? तो ये कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने लिखी है, डी। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जिसको अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित नहीं किया गया है? तो ये है जयगढ़ का किला जो कि राजस्थान में है, सी। बाकी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि चोल वंश के राजा राजा राज प्रथम ने बनवाया था, ये शिव मंदिर है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, इसको मिल चुका है। माउंटेन रेलवे और पदक्कल के जितने भी स्मारक हैं उन्हें भी ये वाला जो टैग है ये मिल चुका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इनमें से कौन है जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? इन्हें अपॉइंट किया था बीडी जट्टी ने। इनका जो समाधि स्थल है ये है अभय घाट, ये कौन है? तो ये है मुरारजी देसाई, ए। चौधरी चरण सिंह, इनका समाधि स्थल है किसान घाट, जो महात्मा गांधी जो कि ऑप्शन में नहीं है उनका है राजघाट, राजीव गांधी का यहाँ से हो जाएगा वीर भूमि, और गुलजारी लाल नंदा जो हैं इनका आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप चाहें तो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 88 नंबर पे, लोकनायक नाम से इनमें से कौन है जो कि प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म हुआ था बिहार के सारण जिले में, बी। बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे अपने टाइम के, और 70s में जितने भी उस टाइम के युवा थे ये इनसे काफ़ी प्रभावित रहते थे। सुभाष चंद्र बोस वही हैं जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और साथ में INA की भी, इंडियन नेशनल आर्मी। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति घोषित हुए थे, और उससे पहले ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के भी प्रेसिडेंट थे। वीर कुंवर सिंह बिहार के एक बहुत फेमस ऐतिहासिक पर्सनैलिटी हैं जो कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार की तरफ से लीडर थे पूरे वॉर में। बिहार राज्य की उत्तरी सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो पहली बात तो ये किसी राज्य से नहीं, एक अलग देश है नेपाल, उससे लगती है, तो नन ऑफ दिस। ये अगर आप बिहार मान लीजिए तो इसकी जो उत्तरी सीमा है ये लगती है नेपाल से, जो दक्षिणी सीमा है वो लगती है झारखंड से, इनमें से कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है तो ध्यान रखिए। वेस्ट वाली लगती है यूपी से, उत्तर प्रदेश से, और ये जो साउथ ईस्ट है ये लगती है पश्चिम बंगाल से। ये सभी बातें आप नोट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जहाँ से हमें सबसे पहली बार बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया यानी बिहार किस तरीके का है, उसका मैप क्या है, ये संबंधित सभी जानकारियाँ हमें मिलती हैं? तो सबसे पहली बार मगध नाम से ये जानकारी मिली थी ऋग्वेद से, ए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसके 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से मंडल नंबर 2 से लेकर 7 तक ये सबसे पुराने हैं, और मंडल नंबर 1 और 10 ये सबसे नए मंडल हैं। जो ऋग्वेद है वो डेडिकेटेड है मंत्र और श्लोक को, जितने मंत्र और श्लोक हैं सभी की जानकारी उसमें मिल जाएगी। शतपथ ब्राह्मण जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, यहाँ पे करेक्शन करिएगा, जो बात एग्जैक्टली आपसे पूछी गई है वो ये है कि प्रेजेंट बिहार के बारे में, जैसा आज दिखता है वैसे मिलता जुलता, तो ये शतपथ ब्राह्मण में दिया था, सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। ऋग्वेद के बारे में काफ़ी फैक्ट बता दिए, वो सबके सब सही हैं। मुंडोकोपनिषद, इसकी बात अगर चली गई है तो आप ये जान लीजिए
कि भारत में जगह जगह पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, स्पेशली गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। ये लिया गया है इसी वाले टेक्स्ट से, मुंडोपनिषद। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे, पहली बात तो ये बताइए वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ देव। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? ये बात आप चाहें तो बता सकते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो उदाइन। और मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। ए राजगृह वही स्थान है जहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल का एक आयोजन हुआ था। जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्धिक संगीति जितनी भी आयोजित हुई है उनमें से एक राजगृह में हो चुकी है। वैशाली एक ऐसा शहर है बिहार का जो कि यूपी से सीमाएं शेयर नहीं करता। कनिष्क जो हैं वो कुषाण वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, और जो कौटिल्य है वो भी मौर्य के समकालीन है। और कौटिल्य की एक फेमस किताब है अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक्स से इसको रिलेट मत करिएगा, जो अर्थशास्त्र है उसमें जितने भी पॉलिटिकल अफेयर थे उस समय मौर्य कालीन के टाइम पे उन सब की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी कि राज्य में जो सबसे मुख्य होता था वो कौन होता था, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती थी, और जितने भी उसके सबॉर्डिनेट थे वो क्या क्या करते थे। कौटिल्य का असली नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। 93 में आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बिहार में तीन सीजन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, सर्दी गर्मी और बरसात। तो बस सही तो बात है, ए को टिक करिए और आगे बढ़िए। बी क्यों गलत है? क्योंकि जो समर सीजन है वो मार्च से लेकर जून तक चलता है, मई तक नहीं। जो बरसात का सीजन है वो जून से सितंबर नहीं अक्टूबर तक चलता है। और जो सर्दी का मौसम है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक चलता है, ध्यान रखिएगा। और सेम बात उत्तर प्रदेश पे भी लागू होती है, वहाँ पे भी सीज़न का हिसाब किताब लगभग यही होता है। 94 नंबर बात करें हम, तो बिहार में ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है? तो यह है कोसी नदी। सी बिहार में एक फसल है जिसका नाम है अगहनी। अगहनी इसको कौन से सीजन में बोया जाता है? तो इसे बोया जाता है बरसाती सीजन के दौरान। और कौन सी क्रॉप इसमें मुख्य है? तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी क्रॉप होगी जिसको पानी ज़्यादा चाहिए, और वो है चावल, धान। डी बिहार में नेचुरल वेजिटेशन यानी जो भी जंगल पेड़ पौधे ये सब उगाते हैं कितने टाइप के होते हैं? तो दो, वेट डेसिडस और ड्राई डेसिडस। ए रेन फॉरेस्ट वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है? तो यह है समस्तीपुर। बी और भी कई सारे जिले इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला तो यह है रोहतास, सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला तो यह है पूर्णिया। और ऐसा जिला जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है वो है किशनगंज। ऐसा जिला जो कि उत्तर प्रदेश से नहीं लगता वो है, ऐसे तो और भी हो जाएंगे लेकिन प्रमुख रूप से वैशाली है। अभी अभी कूनो वन्य जीव अभयारण्य यहाँ से गुजरात के गिर से एशियाई शेर मंगवाए गए हैं और उन्हें वहाँ पे रखा गया है। बताइए ये वाला जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में शिवपुर जिले के आसपास। सी एमपीपीसीएस या फिर एमपी पुलिस के जो भी आगे के एस्पिरेंट हैं वो इस फैक्ट को ध्यान रख सकते हैं ज़रूर। 99 नंबर बात करें हम, तो कर्नाटक में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बन्नरघट्टा, कौन सा विकल्प इससे मैच खाता है? तो ये वाली बात इस समय इसलिए भी चर्चा में थी क्योंकि ऐसा नेशनल पार्क जिसको बटरफ्लाई से पूरी तरीके से वो कर दिया गया है, मतलब बटरफ्लाई से डेडिकेटेड सबसे पहला इंडिया का नेशनल पार्क कौन सा बना है? बन्नरघट्टा। तो किससे संबंधित हुआ ये? तितली से। डी कर्नाटक में और भी सारे नेशनल पार्क हैं जिनमें से एक है बांदीपुर नेशनल पार्क। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, कौन सा ऐसा सोर्स है जिसको
अल्टरनेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कहा जाता है, मतलब जो भी हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं सबसे ज़्यादा संभावनाएं यहीं पे हैं, तो यह है सोलर एनर्जी। सोलर पैनल पे काफ़ी सारे काम चलने लगे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आज की डेट में। सोलर एनर्जी ऑप्शन ए। जियो थर्मल एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको हॉट स्पॉट चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, हालांकि बहुत सस्ती पड़ेगी अगर सही से इम्प्लीमेंट हो गई तो, लेकिन ये सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं हमारे देश में, जिसमें सबसे पहला था तारापुर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में ये नरोरा के आसपास है, मेरठ के आसपास। तो जनरल स्टडीज़ के सेक्शन को कवर कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे रीजनिंग और मैथ सेक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन होगा यहाँ से नंबर वन, द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 34। 30 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में और हर एक की ऑन एन एवरेज 34 एज है, तो टोटल एज स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी। टोटल यानी सम, ये बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। सब लोगों की टोटल एज निकालना चाह रहे हैं, 30 गुणे 34 यानी 1020, 34 तियाई 102 और एक ज़ीरो, 1020 कुल मिला के एज है। टू स्टूडेंट्स हैविंग द सम ऑफ देयर एजेस 98। दो स्टूडेंट ऐसे थे जो कि कुल मिला के 98 साल के थे, इन्होंने क्लास छोड़ दी, और एक स्टूडेंट आ गया जो 48 साल का था। तो बताइए अभी जो 29 स्टूडेंट रह गए हैं, पहले तो ये समझिए 29 कैसे रह गए हैं, 30 थे दो चले गए तो 28 बचे, दो की जगह पे एक आ गया तो 29 बचे। इतने ही स्टूडेंट की एवरेज एज इस समय बतानी है कितनी होगी। तो 98 लेस करना पड़ेगा और जोड़ना कितना पड़ेगा, 48। 98 में से 48 गया तो कितना बचा, इनफैक्ट उल्टा, 48 माइनस 98 ये आ चुका है माइनस 50। इसमें से 50 कम करेंगे तो 970 आ जाएगा, 970 टोटल एज हो जाएगी 29 लोगों की। एवरेज निकालने के लिए 29 से ही इसको डिवाइड कर दीजिए, 970, 29 तिहाई 87, 29 तिहाई 87, तो 33 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन बी। इसमें बताइए यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट में सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ यूनिट प्लेस मैटर करती है बेस की, तो ये 678 की पावर 202 में 6 और 7 हट जाएगा, 8 to the power 202, इसको ऐसा लिखेंगे, और इसको कैसा लिखेंगे, 7 और 6 हट जाएगा, 3 raised to the power, ये हो जाएगा 38। अब इतनी इतनी बड़ी पावर से हम लोग नहीं डील करेंगे, अगर बेस 8 हो तो नियम क्या होता है, तब नियम ये होता है कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दें। 202 की अगर हम बात करें तो 50 चौके 200 पूरा चला गया, 2 बच गया, तो उसे यहाँ लिखिए। 3 के केस में भी सेम रूल है, 2 3 7 8, सेम रूल काम करता है कि जो भी पावर है उसको 4 से काट के उसका रिमाइंडर लिखिए। 38 में अगर हम बात करें तो 9 चौके 36 पूरा कट गया, 2 बच गया, तो 3 का स्क्वायर ये 64 और 3 का स्क्वायर 9, 64 × 10 − 1, 640 में से 64 गया तो कितना बचा। या फिर ऐसे करिए, 6 9 = 54, 540, 9 4 = 36, 576। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ हमारे ऑप्शन में कहीं पे 6 है ही नहीं है, यहाँ पे आंसर प्रॉबेबली इसलिए मैच नहीं किया क्योंकि इनटू कंसिडर कर रहे थे, इधर प्लस होगा तो प्लस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 64 हुआ और ये 9, 64 9 73, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3 हो गया, ऑप्शन सी। इसमें बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले ये इनटू में एक्स स्क्वायर नहीं है, ये रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर है और ये 64 का स्क्वायर है। 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6,
ये पूरी चीज हो गई 2 की पावर 12। लेकिन हमारे पास तो बेस में LHS में √2 है ना, तो RHS का भी बेस वही होना चाहिए, तभी हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। तो 2 खुद क्या होता है, √2 का स्क्वायर, और इसकी भी पावर है 12, तो √2 की पावर हो जाएगी 24। √2 से √2 कट गया, x² = 24, जिसे आप लिख सकते हो 4 × 6। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगेन आप लोगे तो x बराबर हो जाएगा ±, बिकॉज 2 आंसर आते हैं स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो 4 का बना 2 और 6 का बना √6, तो ±2√6। डी, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 85। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एवरेज 85 निकाले गए थे, बट द एवरेज मार्क्स ऑफ द 2 स्टूडेंट हैज़ बिन रिटन एज 90 एंड 85 इंस्टेड ऑफ 85 एंड 80। अब यहाँ समझिएगा, 20 में से 2 स्टूडेंट ऐसे निकले जिसमें पहला लड़का 85 नंबर लाया था, उसके नंबर चढ़ा दिए हमने। दूसरा लड़का लेके आया था 80 नंबर, हमने 85 चढ़ा दिए। तो इन 2 गलतियों को इग्नोर करने के बाद एवरेज 85 आया है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इन दोनों गलतियों को इग्नोर नहीं किया जाता तब एवरेज कितना हो गया होता। इसी को बोला जाता है करेक्ट एवरेज, बिकॉज आपने गलती की है ना, और आपने जो एवरेज निकाला है वो गलती करने के बाद निकाला है, इसीलिए करेक्ट एवरेज। तो सबसे पहले सारी ट्रू वैल्यूज़ बताइए जो कि आपको लेनी चाहिए थी, 85 और 80, 165। अब आते हैं फॉल्स वैल्यूज़ पे, जो कि आप गलती से ले चुके हैं, 90 और 85, यानी 175। लेना था 165, ले लिए हो 175। इसका मतलब ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू करने पर -10 का डिफरेंस आता है। इसी -10 को 20 लोगों के बीच में बांट दीजिए, यानी -10 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, -0.5 यानी -0.5 आता है। अब इसी -0.5 को अपने गलती वाले एवरेज में से छीन लीजिए, 85 -0.5 यानी 84.5 ए। किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 6 गुने से 40 अधिक है। अगर वो संख्या एक्स है तो उसका 65% होगा 65/100 × x। 5 13 ज़ा 5 20 ज़ा 13/20 ऑफ x, ये क्या है? ये आपको तब मिलेगा जब उसी संख्या का 6 गुना करेंगे 6x, और इसमें 40 जोड़ देंगे। इस 20 को उधर लेके जाएंगे, 6x + 40, 20 × 120 में से 13 गया तो 107x, और ये हुआ 40 × 80 = 20। 107x = 800, तो x यहाँ से सॉल्व हो के आएगा ही नहीं। तो ये रिडंडेंट कंडीशन हो सकती है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस नंबर के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवश्य थी। तो अगली कंडीशन पे अगर हम चलें, तो इफ़ 1/8 of 2/5, 1/8 of का मतलब गुणे करना ऑफ दैट नंबर इन 2x, ये 40 है, तो x कितना रहा होगा, 20 × 25 = 100, 100 × 8 = 800, ऑप्शन बी। पी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है अगर वो अकेले करने जाएगा तो, और क्यू उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना ले लें, 20 और 5 का LCM यानी कि 20। अब जहाँ तक पी की बात है, तो 20 दिन में 20 यूनिट, तो 1 दिन में 1 यूनिट। जहाँ तक क्यू की बात है, तो 5 दिन में 20 यूनिट, तो 1 दिन में 20/5 यानी 4 यूनिट। पी जो है वो 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, जबकि क्यू करेगा 4 यूनिट एक ही दिन में। 2 days work of P and Q। पी और क्यू 1 दिन में कितना कर लेंगे, 4 और 1 = 5, 2 दिन में कितना कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे 10। अब यही जो 10 यूनिट है ना, इट इज़ इक्वल टू 5 days work of S। यही 10 यूनिट अगर एस करना चाहेगा तब उसे 5 दिन लग जाएंगे, यानी एस की एफिशिएंसी आ चुकी है 2।
बिकॉज 5 दिन में 10 यूनिट करेगा तो 1 दिन में 2 ही यूनिट तो करेगा, तो एस की भी एफिशिएंसी यानी 1 दिन में वो कितने यूनिट निपटाता है ये भी बात पता चल चुकी है। इन हाउ मैनी डेज विल 3 टुगेदर कैन डू 70% ऑफ दैट वर्क। ये पूरा काम है 20 यूनिट का, इसका 70% हुआ 14। इस 14 यूनिट को तीनों लोग कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तीनों लोग 1 दिन में कितना समाप्त कर लेंगे? 4 2 6 1 7, तो 14 समाप्त करने के लिए इनको 2 दिन लगेंगे। सी 2 डेज। एक शर्ट है जो कि 3 बार डिस्काउंट पे बेची गई। पहली बार उस पर डिस्काउंट दिया गया 15% का, तो मान लीजिए 100 रुपये MRP चिपकी हुई है शर्ट के ऊपर। पहली बार ग्राहक ने 15% कम करा लिए, यानी 15 रुपये कम करा के 85 पे ले आया। 85 पे भी बात नहीं बनी, 25% का फिर डिस्काउंट दिया। 25% यानी आधे का भी आधा 1/4, 42.5 का आधा 21.25, 21 कम किया इसमें तो 64 आया, 0.25 63.75। अब इस पे भी इन्होंने 10% का और डिस्काउंट लिया, यानी 6.375 रुपीज़ और कम कर दिए। तो अगर 6 रुपये कम करे होते तो 57 रुपये 75 पैसे कम हो गए होते। या फिर आप सीधे सीधे लेस कर लीजिए, 63.75 माइनस 6.375, ये 5 हुआ, ये 37 और ये 57, 57 रुपये समथिंग पे आके कीमत खड़ी हो चुकी है। तो बताइए डिस्काउंट कितने का दिया गया? डिस्काउंट आप देख लीजिए कितने का दिया गया, 100 रुपये की चीज़ फाइनली बिकी 57 पॉइंट समथिंग पे, इसका मतलब 42 पॉइंट समथिंग इस पे डिस्काउंट दिया जा चुका है, 42.625 डी। एक बैग का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य मतलब MRP यानी कि अंकित मूल्य, ₹X अंकित किया गया। ये सब्सटेंस है, इस पे ₹X की MRP चिपकी हुई है। कुल मिला के ये हमारे कहने का मतलब है, अभी तक दुकानदार ने बैग को ₹7150 में बेचा और इसके बावजूद 30% प्रॉफिट कमा लिया। 30% प्रॉफिट कमाने का मतलब हुआ 130% में बेचना, 130% का मतलब है 7150। तो ये बताइए दुकानदार ने खरीदा कितने में होगा? खरीदा हमेशा 100% में जाता है, तो दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस है वो बताइए कि वो कितने में सामान खरीद के लाया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलेगी 7150 × 100/130। 13 से काटते हैं, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 और एक ज़ीरो, यानी कि 5500 रुपये ये कॉस्ट प्राइस था, 5500 इतने में ख़रीद के लाया। यदि बैग का बाज़ार मूल्य बैग के विक्रय मूल्य से 10% अधिक हो, बेचा कितने में है? 7150 में, इसका 10% होगा 715, तो 7150 में अगर 715 जोड़ दिया जाए तो 7865 रुपये आ जाती है MRP। 7865 रुपये जो X है हमारा वो आ चुका है। तो वॉट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? तो 5500 रुपये पे ख़रीदा, MRP कितने की चिपकाई? 7865 की, यानी 2365 रुपये ऊपर MRP चिपकाई। बी, द रेशियो ऑफ द स्पिरिट एंड केरोसिन इन अ मिक्सचर ऑफ X L इज 1:3। X L का कोई मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ें अपने पास हैं, ये है स्पिरिट और ये है केरोसिन। रेशियो 1:3 होने का मतलब ये हुआ कि अगर स्पिरिट 1 लीटर है तब जाके केरोसिन 3 लीटर है और टोटल 4 लीटर है, ये इस बात के कहने का मतलब है। द मिक्सचर हैज़ 15% इम्प्योरिटी विच इज़ नाइदर केरोसिन नॉर स्पिरिट। इस मिक्सचर में 15% इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि केरोसिन और स्पिरिट दोनों का ही हिस्सा नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है। द अमाउंट ऑफ स्पिरिट इन द मिक्सचर इज 13 लेस देन द स्क्वायर ऑफ इट।
आठ के स्क्वायर में से 13 अगर हम कम कर दें तो इसमें स्पिरिट कितना है ये पता चल जाएगा। 64 माइनस 13 यानी 51, स्पिरिट कितना है तो 51। लेकिन हमारे हिसाब से तो स्पिरिट एक है ना, तो एक से 51 मतलब गुणे में 51। हर एक चीज़ को 51 गुना करके आप ये पता कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्स और मिक्सचर, टोटल अमाउंट बताइए मिक्सचर का। तो टोटल हमारे हिसाब से है 4, 51 चौके 204, 204 लीटर यहाँ पे मिक्सचर आ गया। लेकिन ये जो 204 लीटर आया ये तब का है जब हम 15% इग्नोर कर रहे हैं। अगर इग्नोर ना करें तो इसी का 15% इसमें जुड़ जाएगा। 10% मतलब 20.4, 5 मतलब आधा यानी 10.2, तो 30 लीटर ज़्यादा यानी 234 पॉइंट समथिंग, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 240, ऐसा हम मान सकते हैं। सी, इफ द लॉस इज 25%, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100, 25 का लॉस हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेचा कुल 75 रुपये में है, 100 रुपये की चीज़ को 75 में बेचिएगा तब ना लॉस 25 आएगा। तो वही बात है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, एस पी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी पी, तो सी पी कितना है 100, इसका हमें एक्स परसेंट चाहिए। सॉरी, सी पी का क्यों चाहिए, लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस यानी एक्स बाई 100 इंटू सेलिंग प्राइस 75 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो बताइए एक्स कितना है। 25 3 जा 25 4 जा 400/3 यानी 133 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी। एनी अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स ₹2400 इन 4 ईयर्स, ये अगर प्रिंसिपल है, इसमें अगर हम 4 साल बाद आगे गए तो हमने देखा ₹2400 हो चुका है। मतलब अगर सोच लीजिए आपने ब्याज पे रुपए दिए तो ब्याज समेत आपको 4 साल बाद 2400 मिल रहे हैं, ये इस बात के कहने का मतलब है। एंड इन 12 ईयर्स मतलब यहाँ से लगा के आगे 12 साल बाद ये कितने देखने को मिले, 3200 देखने को मिले। तो ये पूरा गैप 12 साल का है जिसमें 4 साल का यहीं पे हो गया, तो ये गैप कितना होगा बाकी का 8 साल का। तो 8 साल बाद हमने क्या देखा कि 2400 से 3200 हो गया, मतलब ₹800 बढ़ गया। 8 साल में ₹800 बढ़ गया तो एक साल में ₹100 बढ़ा होगा। और सिंपल इंटरेस्ट में ये प्रॉपर्टी होती है कि एक साल में जितना बढ़ता है तो हर एक साल में उतना उतना ही बढ़ता जाता है। तो पीछे अगर हम चलें 2400 से वापस पी तक जाने के लिए कितने साल, 4 साल, तो 4 साल में कितना 400, बिकॉज हर साल 100, तो ₹400 बढ़ने के बाद 2400 है, तो शुरू में क्या था 2000 था, ऑप्शन ए। इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो बताइए एक्स माइनस 1/x कितना होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लें हम तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x×1/x बराबर 16। एक्स से एक्स कट गया, ये 2 उधर गया, तो 16 माइनस 2 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है 14। इस रिजल्ट को नोट करिए, आगे काम आएगा। हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस 1/x। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x×1/x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, ये कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 14, 2 कम किया तो 12। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, लेकिन इससे पहले 12 को लिख क्या सकते हो, 4 तिहाई, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर ये हुआ एक्स माइनस 1/x, ये 2√3 प्लस माइनस बी।
एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा। सरोज ने क्या कहा? वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री। तो एक बात बताइए, जो आपके बेटे की पत्नी की बेटी है वही तो आपके बेटे की बेटी है ना? तो आपके बेटे की बेटी यानी आपकी पोती की माता कौन है? तो देखिए, आपकी पोती के पिता कौन होते हैं? आपके बेटे होते हैं, लेकिन उसकी माता कौन होंगी? बेटे की पत्नी यानी आपकी बहू। तो आप क्या हो गई? सास हो गई। तो सरोज उस महिला से कैसे संबंधित है? तो वो सास है। ए, शुभी का जन्मदिन 27 अप्रैल को होता है और उस दिन गुरुवार था। तो कहने का मतलब 27 अप्रैल को थर्सडे था। शिवन्या का जन्म उसी वर्ष 20 अक्टूबर को हुआ है। तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा ये बताइए। तो 27 अप्रैल दे के आपसे क्या पूछ लिया? 20 अक्टूबर। तो आपके पास अप्रैल है, मई है, मतलब बीच में जितने महीने हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अप्रैल में 27 दिन पहले ही बीत चुके हैं, 30 दिन होते हैं, तो ये रहे बाकी के तीन। मई पूरा 31 दिन का होगा, जून पूरा 30 दिन का होगा, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर में 20 तक जाना है, तो ये लीजिए 20। अब आपको बस एक ही काम करना है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं सबको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो 3 खुद ही छोटा है, 7 चौक 28 पूरा कट गया, 3 बच गया, 7 चौक 28 पूरा कटा, 2 बचा, इधर 3, इधर 3, इधर 2, 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 6 बच गया। उसके बाद अगर 7 या उसका मल्टीपल आ रहा है तो काट दीजिए, 6 3 9 तो 11, 3 14, 3 3 6, 6 12 2 14, ये कट गया, 3 3 6 2 8, 8 को अगर 7 से काटेंगे तो 1 बचेगा फाइनल रिमाइंडर। तो जो भी दिन आपके पास है उसमें प्लस 1 करिए, बिकॉज आप खड़े हैं अप्रैल में, जाना है आपको अक्टूबर की तरफ, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लस 1। थर्सडे में प्लस 1 कीजिएगा, क्या आएगा? फ्राइडे। बी, एक घड़ी है जिसमें समय हो रहा है 12:25। तो अगर इस घड़ी को सीधे सीधे ना देख के ऐसे शीशे से देखें तब उसमें कितना टाइम होगा ये बताइए। तो अगर एक्चुअल टाइम दिया हो और मिरर पे जाना हो, चाहे मिरर देके आपसे एक्चुअल क्यों ना पूछें, आप हमेशा 11:60 में से या फिर 23:60 में से लेस कर देते हो। 11:60 में से आप लेस कर नहीं पाएंगे, बिकॉज आप 11 में से 12 जाएगा तो माइनस बनाएगा ना। तो ये लीजिए 23:60 माइनस 12:25, ये लीजिए 35 और ये लीजिए 11, 11:35। ए, अपने पास 5 प्रकार की कोल्ड ड्रिंक हैं, कोका कोला, पेप्सी, फ्रूटी, माजा और थम्सअप। सब में चीनी की अलग अलग मात्रा हैं और होती भी हैं। पेप्सी में चीनी की मात्रा बाकी पेय पदार्थों से सबसे अधिक है। द अमाउंट ऑफ शुगर इन पेप्सी इज़ हायर देन ऑल दी अदर, मतलब पेप्सी में सबसे ज़्यादा चीनी है, बाकी उससे नीचे वाले हैं। द अमाउंट ऑफ शुगर इन फ्रूटी इज़ मोर देन ओनली माजा,